दिल है कि मानता नहीं, प्यार किया तो डरना क्या। होटल से पकड़े गए प्रेमी युगल की मंदिर में कराई शादी। डेरावारी बाजार स्थित एक होटल में लड़का और लड़की होने की सूचना परिजनों को मिली। जानकारी मिलते ही परिजन उक्त होटल पहुंचे। लड़का और लड़की को होटल से बरामद किया गया। परिजनों के द्वारा दोनों की शादी स्थानीय एक शिव मंदिर में कराई गई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया के मधुबनी मोहल्ला निवासी और लड़की सृष्टि कुमारी पूर्णिया निवासी सुशांत सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने एक होटल गेरावारी पहुंची। इसकी जानकारी लड़की की परिवार को हो गई। लड़की की परिवार पहुंचने पर कुछ देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। लड़की के परिवार के द्वारा कोढ़ा हाई स्कूल के समीप एक शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। जो भी क्या ले जाएंगे आप उनको? हम घर में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि घर से मेरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आप आज शादी कर लिए तो उनको फिर कहाँ रखेंगे? कहाँ रखिएगा? अभी सोचेंगे। सोचेंगे समय लगता है, तुरंत थोड़ी बोल सकते हैं, जो बोल दियो। हाँ ठीक है, तो हमारे घर जाएंगे वो अभी। आप लोग के हाँ, दोनों घर लेके जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि कुमारी। घर? घर पूर्णिया मधुबनी। अच्छा, आज आप लोगों का मंदिर पे शादी हो रहा है, क्या वजह रही जो आज मंदिर पे शादी कर रहे हैं? हम लोग होटल में मिलने आए थे और मेरे भाई हम दोनों को पकड़े और मंदिर में शादी कर रहे हैं। और हम लोगों का रिलेशनशिप 2018 से चल रहा है और ये मतलब बहुत गहरा संबंध था, शारीरिक संबंध था, और ये मेरे से नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज हम लोग पकड़ा गए तो ये किए हैं मेरे से शादी। तो किनके द्वारा पकड़ा गया? मेरे भाई के द्वारा। आपके भाई के द्वारा? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि कुमारी। सृष्टि। घर? घर पूर्णिया मधुबनी। जिनसे शादी हुआ उनका क्या नाम? प्रशांत सिंह। घर कहाँ? घर इनका रियल घर सरसी है, लेकिन यहाँ पे डॉलर हाउस के पास इनका अपना अभी न्यू घर बना है। तो क्या आप वहाँ उनके घर में रहेंगे? हाँ रहेंगे। ले जाएंगे आपको? ले जाना पड़ेगा। ले जाना पड़ेगा। इसके घर में ऑलरेडी पता था सबको। हाँ, इसके घर में पहले भी जा चुके हैं, पता था सबको। कब से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था? 2018 से। नहीं अभी तो ये जबरदस्ती हो गया। कहाँ रखोगे? हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे। दोनों को साथ में? हाँ, दोनों को साथ में लेके अपने घर में। अपने घर पे। शादी अभी कहाँ करवाए हैं? शादी अभी आपका हुआ है गेराबारी रोहतक थाना। कोड़ा थाना। क्या मामला? पूरा मामला क्या था ये बताइए। मामला हम लोग को पता नहीं था। हाँ। मेरी बहन जो है ना, ऐसा ऐसा बात है जब बोली, आज हम लोग को पूरा पता चला है। हम लोग को इतने दिन से पता नहीं था, ये बताती तब ना पता चलता। इतना तो कुछ था नहीं, ये दोनों का मामला था, ये दोनों मिलकर सामना कर सकते थे। हाँ। मैं सामना कुछ किए नहीं, तब ये मेरी बहन मेरे को बोली, तब हम लोग आए हैं। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ प्रताप कुमार शर्मा। पूर्णिया से? घर कहाँ हुआ? मेरा घर कटिहार हुआ। कटिहार। लड़की आपकी कौन है? मेरी मामा की बेटी है। क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं थाना परिसर में, और लड़का लड़की का जोड़ा है, क्या है, क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब बताएंगे इसके बारे में कुछ? हमको तो पहले से कुछ नहीं पता था। हाँ। अचानक से हमको फोन किया मेरा गोटनी। हाँ। मतलब हम बाहर थे। हाँ। तो अचानक से हम यहाँ पे आए हैं, अपना भाई को भी बुलाएं, मम्मी को बुलाएं, इतना ही हमको पता है। पहले से लड़की कौन है आप? लड़की मेरी बेटी है। बेटी है? कौन सी बेटी है? सभी क्या छोटी बड़ी कौन है बेटी? मतलब एक ही बेटी है। एक ही बेटी है आपकी। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर ससुराल पूर्णिया मधुबनी और मायके कहाँ काढ़ा गोला है। तो वहाँ से अभी आप यहाँ आए हैं। हाँ। तो पता चला कि शादी हो गया या शादी आप लोग करवाए? नहीं, हम लोग को पता। क्या मामला है पूरा बताइए। मतलब हम आए गोतनी के द्वारा पता चला। हाँ, गोतनी के द्वारा पता चला हमको कि यहाँ पे मतलब कि कोई होटल में पकड़ाया है। तो ऐसे ऐसे बात है, तो मेरा बेटा पहले से यहाँ पे था, उनको पहले से मतलब कवर किया। उसके बाद मेरा लोग भी आए, वहाँ से कटिहार से आए हैं। और उसके बाद वहाँ अंदर में बंद करके रखा था, तो मिलने भी नहीं दिया। फिर बाद में कौन से थाना? के हाट थाना। कोड़ा थाना। कोड़ा थाना। उसके बाद जो है लड़का शादी करने को राजी नहीं हो रहा था। राजी नहीं हो रहा था, फिर आया क्यों?
उसके बाद बहुत बोलने के बाद में तब राजी हुआ, फिर बोलता है क्या शादी करेंगे। शादी अब ये शादी हुआ अभी कितने कितने दिनों से ये चल रहा था ये बात हमको नहीं पता है सर। नहीं पता था नहीं। लड़का लड़की के द्वारा बताया जा रहा है। आपका मेरा नाम पिंकी देवी। पिंकी देवी, अगर अभी लड़का नहीं रखने को तैयार होगा तो फिर आप क्या करेंगे अभी? नहीं सर, अगर लड़का रखने को तैयार नहीं होगा तो उसका कोई कार्रवाई किया जाएगा ना? कार्रवाई किया जाएगा। इतना दिन से दोनों बात कर रहे थे, हमको तो पता नहीं था, लेकिन लड़का का तो गलती है ना सर। लड़का का तो गलती है, लेकिन लड़का क्या करता है? लड़का का सर नौकरी है सर। किस विभाग में? रेलवे में। रेलवे। आपकी बच्ची क्या कर रही है? मेरी बच्ची तो पढ़ाई कर रही थी। किस में? क्या स्कूल? कौन से? पढ़ाई उसका पूरा हो गया है। ग्रेजुएशन का। क्या नाम हुआ? क्या मामला है आज आप लोगों को शिव मंदिर में शादी कराने के लिए? बोलिए। मिलने आए थे। ठीक, कहाँ मिलने आए थे? होटल में। कौन सा होटल? शिमाली में। अच्छा, कितने दिनों से प्रपोजल चल रहा था? 2018 से। पारिवारिक से शादी नहीं हुआ था? नहीं। कैसे शादी का ये बंधन में बंधना हुआ? तो होटल में मिलने आए तो फिर शादी कौन करा दिया आपका? ये लोग मतलब पहले से प्लान बना के आए थे। कौन लोग? ये लड़की। लड़की वाले लोग पहले से प्लान बना के आए कि आज शादी करना है। तो शादी तो आप अपने मर्जी से कर रहे हैं ना आज? हाँ, कर रहे थे शादी, फिर मर्जी से मारा गया इतना क्यों? कौन मारा है? आप लोग बराती में हैं क्या? बराती में आए हैं क्या? अच्छा, आप लोग बराती में है यहाँ पे। क्या क्या पता चल, क्या पता चला यहाँ पे, क्या हो रहा था? क्या पता चला? क्या क्या? शादी हो चुका है। शादी हो चुका है। वो कहाँ से? खुश है। खुश है, एकदम खुश है। खुश हैं आप लोग? देख लीजिए, पब्लिकली तौर से खुश हैं। और ये देखिए, पंडित जी के द्वारा टीका लगाया जा रहा है इनको। और ये कुछ कार्य, क्या कार्य करते हैं आप? रेलवे में जॉब में है। किस किस पद पे हैं? पंचमैन में है। देख लीजिए यहाँ पे, ये अजूड़ा यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। ये पूरा वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और लड़की यहाँ पे है अभी, और पूरी जो भी इसकी तफसील से वीडियो है वो हम आपको पूरी वीडियो में दिखा रहे हैं।